जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन मेहता, मैं अपने YouTube चैनल पे आपका वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि नीतीश कुमार जनवरी के फर्स्ट वीक के बाद वो पूरे बिहार का भ्रमण करने वाले हैं, और ये बेसिकली भ्रमण करने का उद्देश्य है कि कई पार्टी और साथ में उसका जो अपोजिशन वाले हैं वो, और गठबंधन ही में भी हैं वो, और अपने पार्टी का भी कई व्यक्ति जो है खुल के नीतीश कुमार के बारे में कह रहे हैं कि आप उनका जनाधार खत्म हो गया, तो वो भ्रमण करने पे निकलने वाले हैं और अपना एसेसमेंट करने वाले हैं कि क्या मेरा जनाधार सही में खत्म हो गया। और फिर शराबबंदी जो कानून विफल हुआ है उसको वो भ्रमण करके फिर से समझाएंगे। एक आप कह सकते हैं कि 6 साल से, 2016 से शराबबंदी है, उस समय से सब बार बार वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बिहार की जनता नहीं समझ रही है। लेकिन अब फिर से एक बार कोशिश करने वाले हैं नीतीश कुमार, पर बिहार में का हर एरिया में जाके वहां पे संवाद करेंगे जनता से, और एक कोशिश करके जो समझाएंगे कि शराब सक्सेस करे या शराबबंदी जो है उसको सक्सेस करे। लेकिन इसी में एक बड़ा ट्विस्ट आ गया है, यह ट्विस्ट आ गया है बीजेपी की तरफ से। बीजेपी पार्टी का एक नेता ने नीतीश कुमार को चैलेंज दे दिया है कि आपको बिहार भ्रमण करना ही तो कीजिए, बहुत अच्छी चीज है, आपके लिए बहुत अच्छा चीज होगा, आप अपना असेसमेंट कर पाएंगे, पब्लिक से संवाद जब करेंगे तो आप अपना कमजोरी जान पाएंगे। लेकिन वो आप भ्रमण छपरा से स्टार्ट, जहां पे अभी जहरीली शराब से मोर देन 80 पीपल का डेथ हुआ है। इवन NHRC भी जो है वहां पे जाके फाइंड आउट कर रही है। ऐसे जगह पे नीतीश कुमार को चैलेंज दिया गया है, और उससे एक तरह से आप कह सकते हैं उनको मेंटली प्रेशर करने की कोशिश किया गया है विपक्ष के द्वारा या बीजेपी के द्वारा कि आप छपरा में जाके देखिए आपके ऊपर छपरा की जनता कैसा व्यवहार करती। लेकिन यहाँ पे सही बात है कि नीतीश कुमार का जो है, मैं भी इस पे जो है बीजेपी का समर्थन करूंगा कि नीतीश कुमार को अगर भ्रमण ही करना है, बिहार में संवाद ही करना है, तो छपरा की जनता से शुरू करना चाहिए, क्योंकि छपरा में इतना बड़ा ट्रेजेडी हो गया है। नीतीश कुमार और नीतीश कुमार का कोई भी मिनिस्टर, इवन डिप्टी मिनिस्टर CM जो है वो भी छपरा नहीं गए हैं, और नीतीश कुमार भी नहीं गए, और एज ए सहानुभूति उनको जाना चाहिए। इवन उन्होंने सहानुभूति भी नहीं दिखाया, एज ए मुंह से बोल दिया, एज ए जहरीली शराब से मरे हुए व्यक्ति के अगेंस्ट जो उन्होंने जहरीली जुबान में बोल दिया कि पिएगा तो मरेगा। लेकिन अब जो है अगर संवाद करना चाहते हैं आप जनता से, और इस जहरीली शराब पे संवाद करना चाहते हैं या शराब को सक्सेस बनाना चाहते हैं और पूरे बिहार भ्रमण करना चाहते हैं, तो किसी एक डिस्ट्रिक्ट को आप चुनिए, वो डिस्ट्रिक्ट आपका होना चाहिए छपरा जिला, और छपरा जिला में भी वो जगह होना चाहिए जहां पे तो लगभग 80 व्यक्ति की मृत्यु हो गई है आपके रॉन्ग पॉलिसी से, क्योंकि आपका रॉन्ग पॉलिसी ही विवश कर रहा है व्यक्ति को जहरीली शराब पीने के लिए, और अगर अच्छी शराब पीना है तो हाई रेट में शराब पीने के। केवल पेपर में शराबबंदी है, और आउट ऑफ पेपर अगर गएंगे तो शराब कहीं दिखता कहीं नहीं है, लेकिन अवेलेबल हर जगह है। तो ऐसी आपका पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन का इफेक्ट है। दूसरा चीज है कि शराबबंदी रहते हुए, आपका कानून इम्प्लीमेंटेशन होते हुए, आपकी पुलिस व्यवस्था होते हुए, दहली शराब बंद क्यों रही है और बंद कैसे रही है, सामान कहाँ से आ रही है जहरीली शराब बनने के लिए, और फिर वो बन के पब्लिक तक कैसे पहुंचती है, क्या आपका सिस्टम उसको रोक नहीं पा रहा है, तो यहाँ पे आपका फेल्योर है। तो ये सब फेल्योर होते हुए भी आप अगर उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं और जनता को आप संवाद के रूप में जाके पूछना चाहते हैं, तो आपको छपरा जाके सबसे पहले उस एरिया में पूछना चाहिए जहाँ पे लगभग 80 व्यक्ति की मृत्यु हुई है, तो आपका हकीकत पता चल जाएगा कि आपको जनता क्या चाहती है, यानी आपसे जनता क्या चाहती है और आपके बारे में क्या सोचती है, आप कितना सफल हैं और कितना विफल है।
तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग यही देखा कि बीजेपी ने बिहार में भ्रमण करने वाले मुख्यमंत्री जो फ्यूचर में भ्रमण करेंगे शराबबंदी से रिलेटेड कानून को समझाने के लिए, एक चैलेंज दिया है कि वो छपरा से स्टार्ट करें। और इस चैलेंज पे जेडीयू की तरफ से कोई भी प्रवक्ता ना ही नीतीश कुमार कोई वक्तव्य दिए हैं कि हम छपरा से ही भ्रमण करेंगे या छपरा से ही पूरे बिहार में घूमेंगे। पहला मेरा जो स्टार्टिंग पॉइंट छपरा होगा, छपरा का वो जगह होगा जहां पे लगभग 80 व्यक्ति मरे। अब यही देखना है फ्रेंड्स कि नीतीश कुमार क्या करते हैं, वो छपरा से स्टार्ट करते हैं या फिर जो है अपना दुम दबा के सीएम ऑफिस में बैठ जाते हैं, कहीं दूसरे जगह पे प्लानिंग करते हैं जाके जो है अब उस भ्रमण करने के लिए और छपरा को छोड़ देते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि आप मेरे चैनल से जुड़ सकें। थैंक यू। बाद माता की जय।